लेकिन साथ साथ हमने यह भी तय किया है भाइयों बहनों, युवाओं के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो फिर उसको सोच लेना चाहिए कि इसके बाद क्या होगा। उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। विगत 4.5 वर्ष में 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी गई और अच्छी कानून व्यवस्था के कारण प्रदेश के अंदर हर एक नौजवान के लिए नौकरी की संभावना को आगे बढ़ा करके 1,61,00,000 से अधिक नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधा प्रदेश में प्रदान की गई। एक जनपद एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से स्वतः रोजगार के साथ 60,00,000 से अधिक लोगों को जोड़ने का कार्य हुआ। नौकरी हो या कोई भी टेस्ट, पूरी पारदर्शी और ईमानदार तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। आज सुबह जब मुझे एक समाचार मिला कि बीटीसी टीईटी का आज टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने एक पेपर लीक किया, हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ, एक महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो, किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे, या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी, ये सुविधा दो। लेकिन जिन जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय